और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहां से निकलते हैं और 2:54, जैसा मैंने आपको बताया, रामेश्वर नगर मंदिर में पहुंचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं, अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस घर तक पहुँचे जहाँ ये लोग थे, वहाँ से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था, हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहाँ से हम लोगों को एक और कड़ी मिली, उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था, कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर ज़रूर है, या तो यहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में हैं वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से, वहाँ एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर, ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए, ये भूतनाथ रोड होते हुए, भागवत नगर होते हुए, कुम्हरार पार्क के पास है, कुम्हरार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा और वहां से आगे अलका कॉलोनी है। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे लोकेशन में, मतलब